तो हे गाइस इट्स मी संजय, वेलकम बैक टू अस कमिक्स। दोस्तों प्रीव्यू में जिस तरह का एक वीडियो दिखा, इस तरह का वीडियो अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से आप लोगों को लास्ट तक देखना है। मैं हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही इजी वे में सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से इस वीडियो को बना सको। एंड गाइस इस वीडियो को बनाने के लिए आप लोगों को देखिए फर्स्ट काम क्या करना है, टोरो हिपन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन के अंदर जाकर टैप टू कनेक्ट कर लेना। उसके बाद कैपकार्ड एप्लीकेशन को ओपन करें। ये एप्लीकेशन आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट पे टच करना है। यहाँ पर गाइस एक वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, उससे फर्स्ट ऐड करना है। तो गाइस आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कौन सा वीडियो है। तो गाइस ये वीडियो है, इससे आप लोगों को फर्स्ट ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड कर लीजिए इस तरह से। ऐड करने के बाद गाइस आप लोग देखिए ऊपर में एक बॉक्स वाला आइकन, इस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद ऐड ऑडियो पे क्लिक करें, एक्सट्रैक्टेड पे क्लिक कर लीजिए। अब गाइस एक 14 सेकंड का वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसे ऐड करते देखिए ऑडियो नीचे ऐड हो जाएगा। अब इस वीडियो को बनाने के लिए गाइस आप कुछ फोटोज की जरूरत है तो आप लोग को ऐड करना है। तो गाइस यहाँ पर 11 फोटो की जरूरत है, तो देखिए साइड में एक प्लस का आइकन है, तो गाइस इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद गाइस फोटोज पे क्लिक करें, गैलरी से आप लोग 11 फोटो सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आप लोग 11 फोटो सिलेक्ट करना है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से आप लोग को सिलेक्ट करते जाना है। तो गाइज आप लोगों को ये जो 11 फोटो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। अब ऐड पे क्लिक करते गाइज आप लोग देख सकते हो सभी फोटो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब गाइज आप लोगों को हर एक फोटो को इस तरह से जूम कर लेना है। देखिए फोटो पे क्लिक करें, दोनों फिंगर से जूम करके फुल स्क्रीन में कर लीजिए। तो ये प्रोसेस मैं कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर सभी फोटो को फुल स्क्रीन में कर लिया हूँ। अब गाइज आप लोग क्या करना है, सभी फोटो में देखिए वीट के अकॉर्डिंग कट करना है। तो सभी फोटो का ड्यूरेशन होगा 0.8 सेकंड। देखिए फर्स्ट फोटो 0.8 सेकंड हो चुका है, सेकंड फोटो का भी 0.8 सेकंड कर लीजिए। इस तरह से गाइज लास्ट तक आप लोग को सभी फोटो का ड्यूरेशन 0.8 सेकंड करके करना है। तो ये प्रोसेस भी मैं कर लेता हूँ। तो गाइज देखिए लास्ट वाला फोटो को भी इस तरह से आप लोग 0.8 सेकंड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो आप लोग कर लीजिएगा। अब इस तरह से हो जाने के बाद आप लोगों को सभी फोटो में एनिमेशन ऐड करना है। तो फोटो पे क्लिक करें गाइज, उसके बाद गाइज आप लोग क्या करना, देखिए नीचे एक ऑप्शन है एनिमेशन, इस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप लोग कॉम्बो पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा, यहाँ पर कॉम्बो पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर देखिए वेब एप्स ऑप्शन को फर्स्ट फोटो में ऐड करें एंड सेकंड फोटो में वेब एम्प्लीफिकेशन को ऐड करें, ठीक है। उसके बाद फिर से आप लोग वेब एप्स ऑप्शन को ऐड करें, नेक्स्ट फोटो में वेब एम्प्लीफिकेशन को ऐड करें। तो इस तरह गए वेब एब्सॉर्प्शन एंड वेब एम्प्लीफिकेशन को ऑल्टरनेट करके आप लोगों को सभी फोटोज में ऐड कर लेना है। तो गाइस देख सकते हो सभी फोटो में मैंने वेब एब्सॉर्प्शन एंड वेब एम्प्लीफिकेशन को ऐड कर लिया हूं। तो आप लोग भी इस तरह से कर लीजिएगा। अभी इतना तक हो जाने के बाद गाइस फर्स्ट फोटो जहां से स्टार्ट हो रहा है इस जगह पर आ जाइए। आ जाने के बाद गाइस आप लोगों को ओवरले पे क्लिक करना है, ऐड ओवरले पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस एक आप लोगों को पीएनजी में प्रोवाइड कर दूंगा, इसे आप लोग ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद थोड़ा सा छोटा करके आप लोग इस तरह से नीचे की तरफ आप लोग सेट कर लीजिए। अब इसे खींच के वीडियो के लास्ट तक लीजिए इस तरह से। तो देखिए लास्ट तक हो चुका है। अब इतना तक हो जाने के बाद फर्स्ट फोटो जहाँ से स्टार्ट फिर से उस जगह पे आ जाइए, बैक आइए, एफेक्ट पे क्लिक करें, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर लीजिए। अब गाइस ट्रेंडिंग पे ही देखिए यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो गाइस फर्स्ट आप लोग को HDR इफेक्ट को ऐड करना है, उसके बाद इसे खींच के वीडियो को लास्ट तक कर लेना है। अब गाइस फिर से आप लोग को फर्स्ट फोटो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस जगह पर आ जाना है, फिर से वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर देखिए नीचे थोड़ा सा स्लाइड करना है। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये जो है कलर फ्रेगमेंट करके, इसको आप लोगों को ऐड करना है। उसके बाद इससे भी खींच के वीडियो को लास्ट तक कर लीजिए। अब फिर से फास्ट फोटो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस जगह पे आ जाइए, उसके बाद फिर से वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर लीजिए। अब आप लोगों को देखिए यहाँ पर व्हाइट फ्लैश 2 करके जो है इसको आप लोग ऐड कर लीजिए एंड इसे खींच के लास्ट तक कर लीजिए। और गाइज इस वीडियो में कुछ भी नहीं करना है, आपका जो वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर ऑडियो के बिना मैं प्ले कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ सुनना चाहता हूँ, मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा। तो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिएगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।